Assalamualaikum. Good morning, students. How are you? Hope you all will be fine, inshallah. Okay, now let's start our work. Unit number 5, animals and how they live. Reading हमने की थी. आज का हमारा lecture जो है वो इसकी exercise solve करेंगे हम लोग. Page number 48. Choose the correct answer. कि आपको 4 दिए हुए हैं ऑप्शंस, इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है उसको आपने टिक करना है. व्हाट टाइप ऑफ एनिमल्स लिव इन द जंगल, कौन से टाइप के जो जानवर हैं वो जंगल में रहते हैं. टेम, फ्रेंडली, वाइल्ड, कडली. कि कौन से सुधारे हुए यानी जिनको सिखाते हैं लोग वो दोस्ती से जो दोस्ताना माहौल में रहते हैं वो, या जंगली, जंगली जानवर जो हैं वो जंगल में रहते हैं. Which of the following is not a part of a fish? इनमें से कौन सा body part है जो fish का नहीं है. Eyes, tail, scales, legs. Fish की legs होती हैं? No. Eyes भी हैं उसकी, tail भी है, scales भी हैं, लेकिन legs fish की नहीं होती, इसलिए legs आएगा. Which of the following is not a part of a bird? इनमें से कौन सा body part है जो बर्ड्स का नहीं है, परिंदों का नहीं है. फेदर्स, टेल, लेग्स, गिल्स. टेल भी होती है, लेग्स, फेदर्स. कौन सा पार्ट जो है वो बर्ड्स का नहीं है? गिल्स. गिल्स किस के होते हैं? फिश के. फिश के गिल्स होते हैं जिनके जरिए वो सांस लेते हैं. व्हाट इज अ बेबी फ्रॉग कॉल्ड, बेबी फ्रॉग को क्या कहते हैं? किट, चिक, a pup, a tadpole. Fourth D option जो है वो baby frog name है. Which of the following animals eats other animals? कौन सा, इनमें से कौन सा जानवर जो है वो दूसरे जानवरों को खाता है? A lion, a cow, a deer, a giraffe. Lion, a lion. क्योंकि cow, giraffe, deer ये क्या खाते हैं? Plants. लाइन क्या खाता है? दूसरे जानवरों को, दूसरे एनिमल्स को खाता है. करेक्ट ऑप्शन इज ए, अ लाइन. आंसर दीज क्वेश्चंस विद यस और नो. इन क्वेश्चंस के आंसर आपने यस या नो में देने हैं. डू स्नेक्स ले एग्स, क्या सांप जो है वो अंडे देता है? यस. इज अ बेबी डॉग कॉल्ड अ किटन, क्या जो डॉग का बेबी है उसे किटन कहते हैं? नो. किटन किसके बेबी को कहते हैं? कैट के बेबी को किटन कहते हैं. डज अ किटन हैच फ्रॉम एन एग, क्या किटन जो है वो अंडे से निकलता है? नो. डू बर्ड्स हैव टू लेग्स, क्या परिंदों की दो टांगे होती हैं? क्या परिंदों की दो टांगे होती हैं? यस, परिंदों की दो टांगे होती हैं, जानवरों की चार टांगे होती हैं. Do fish breathe through their fins? क्या मछली जो है वो अपने पंख के जरिए सांस लेती है? No. वो किसके जरिए सांस लेती है? अपने गिल्स के जरिए. Are there fish in the sea? क्या मछली जो है वो समंदर में रहती है? Yes. समंदर में रहती है क्योंकि पानी के बगैर वो जिंदा नहीं रह सकती. मैच दीज एनिमल्स टू देयर होम्स, आपने एनिमल्स को होम के साथ मैच करना है. फिल इन द टेबल बिलो, इनको टेबल को फिल करना है आपने. द पिक्चर्स ऑन पेजेस 46 एंड 47 विल हेल्प, के पेज नंबर 46 एंड 47 पे जो पिक्चर्स बनी है वो इस चीज में आपकी हेल्प करेंगी. हाइव, एनिमल है बीज. केज, पेट कैनरी. केव, बियर. स्टेबल, हॉर्स. हर्च, रैबिट. कैनल, डॉग. वेब, स्पाइडर. एंथिल, एंट. नेस्ट, वेवर बर्ड. हॉलो ट्री, आउल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, राइट द नेम्स ऑफ 3 फ्लाइंग इंसेक्ट्स.
ये फ्लाइंग इंसेक्ट्स जो होते हैं, उड़ने वाले जो कीड़े होते हैं, उनके आपने नाम लिखने हैं। बटरफ्लाई, बीज, लेडी बग। बटरफ्लाई की स्पेलिंग BUTTER, बटर FLY, फ्लाई बटरफ्लाई। बीज BEES, बीज। लेडी बग LADY, लेडी BUG, बग, लेडी बग। नेक्स्ट, राइट द नेम्स ऑफ सम वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स इन द कॉलम्स बिलो। डोमेस्टिक एनिमल्स के नेम लिखने हैं, वाइल्ड एनिमल्स के नेम इस कॉलम में लिखने हैं। डोमेस्टिक एनिमल में एक नेम डोमेस्टिक एनिमल में लिखा हुआ है, एक वाइल्ड में लिखा हुआ है, बाकी आपने लिखने हैं। काउ, डॉग डोमेस्टिक एनिमल है, गोट, हॉर्स, हैन, ये क्या है? डोमेस्टिक एनिमल्स हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं घरेलू जानवरों को। डॉग, गोट, हॉर्स, हैन। वाइल्ड एनिमल्स में टाइगर उन्होंने लिखा है, बाकी मंकी, फॉक्स, लायन, एलिफेंट, ये क्या है? वाइल्ड एनिमल्स हैं, जंगली जानवर जो जंगल में रहते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 51। हियर आर सम एनिमल्स विच लिव इन द सी। राइट द करेक्ट नेम अंडर ईच पिक्चर। फाइंड आउट मोर अबाउट दीज एनिमल्स एंड राइट अबाउट वन ऑफ देम। नीचे ये नेम लिखे हुए हैं, ऑक्टोपस, डॉल्फिन, व्हेल, एल। नीचे पिक्चर्स दी हुई हैं, ब्लॉक्स में आपने नेम लिखने हैं। ये क्या है? ऑक्टोपस, व्हेल, एल, डॉल्फिन, ये ब्लॉक्स में आपने साथ इनके नेम लिख देने हैं। पेज नंबर 52 है फन पेजेस। ये आगे फन पेजेस अब आ रहे हैं। पेज नंबर 52 पे कलर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स। ये डिफरेंट टाइप ऑफ लीव्स यहाँ पे बने हुए हैं, इनको आपने कलर करना है। इसको आपने लास्ट यूनिट था हमारा, तो वो प्लांट्स का था, उसमें पेज नंबर 31 पे ये लीव्स बने हुए हैं, उनकी हेल्प से आपने इसको कलर करना है। ये देखें, ये लीव्स बने हुए हैं ना, सेम लीव्स उस पेज पे हैं, कुछ डिफरेंट हो सकते हैं, इनकी हेल्प से आपने उनको कलर करना है। नेक्स्ट है सॉल्व द पजल। ये पजल आपने सॉल्व करना है। नंबर 1 पे क्या है? सीड्स, एस लिखा हुआ है, EES, सीड्स। नंबर 2 ट्री, TREE, ट्री। नंबर 3 आपने देखना है और उस पिक्चर के अकॉर्डिंग उसका नेम लिखना है, रूट्स, ROOTS, रूट्स। नंबर 4 ब्रांच, BRANCH, ब्रांच। रूट्स मीन जड़ें, सीड्स, बीज, ट्री, दरख्त, ब्रांच, शाखें। नंबर 5 पे है फ्लावर, FLOWER। नंबर 6 बर्ड, BUD, बर्ड। 7 लीव, LEAF, लीव। नंबर 8 फ्रूट, FRUIT, फ्रूट। नंबर 9 ट्रंक, TRUNT, ट्रंक, सॉरी ट्रंक, TRUNK, ट्रंक। मैच द फ्रूट एंड वेजिटेबल्स टू द करेक्ट बास्केट्स। इधर फ्रूट नेम, फ्रूट एंड वेजिटेबल नेम्स लिखे हुए हैं, दरमियान में दो बास्केट्स हैं, एक फ्रूट की है, एक वेजिटेबल्स की है। आपने फ्रूट नेम जो है वो फ्रूट वाली बास्केट के साथ मैच करने हैं, और वेजिटेबल जो नेम्स लिखे हुए हैं वो आपने वेजिटेबल बास्केट में मैच करने हैं। मैंगो फ्रूट है, एप्पल फ्रूट, कॉलीफ्लावर वेजिटेबल, कैरेट वेजिटेबल, पीस वेजिटेबल, ग्रेप्स फ्रूट, क्यूकम्बर वेजिटेबल। इधर से पोटैटो वेजिटेबल, पियर वेजिटेबल, पाइनएप्पल फ्रूट, बनाना फ्रूट, ब्रिंजल वेजिटेबल, बीन्स वेजिटेबल। इनको आपने करेक्ट बास्केट के साथ मैच करना है। नेक्स्ट, सर्कल द नेम्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स नेम जो है वो आपने सर्कल करने हैं इनमें। पुट अ लाइन थ्रू द थिंग्स विच आर नॉट प्लांट्स, के उन पे लाइन पुट करनी है जो प्लांट्स नहीं है। बलून प्लांट नहीं है, इस पे लाइन पुट करेंगे। कैक्टस ये प्लांट है, मेटल प्लांट नहीं है, पाइन प्लांट है, बनाना ये भी प्लांट्स में है, कैट प्लांट नहीं है, पाम, रोज, जिन जिनको सर्कल किया है वो क्या है? प्लांट्स हैं, प्लांट नेम्स हैं। बाकी जो प्लांट नेम नहीं है उन पे आपने लाइन पुट कर देनी है। नेक्स्ट पेज नंबर 54।
कंप्लीट दीज पिक्चर्स बाय एडिंग द मिसिंग पार्ट्स, ड्रॉ एरोज एंड लेबल द पार्ट्स. टेल, गिल्स, फिन, बीक, क्लॉज, स्केल्स, इनके जो पार्ट आपके कंप्लीट नहीं है उनको आपने ड्रॉ करना है, ड्रॉ करके पिक्चर कंप्लीट करनी है.